ये जो प्रॉब्लम कल के प्रॉब्लम के जैसा है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, आपको कॉस्ट शीट बनाने का है, कॉस्ट शीट के बाद वर्किंग और वर्किंग के बाद रिकंसिलेशन का स्टेटमेंट, ये तीन चीज़ें आपको बनानी है। तो अभी प्रॉब्लम में पढ़ता हूँ, फॉलोइंग इज द समराइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एक्स वाई जेड इंडस्ट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है एक्स वाई जेड इंडस्ट्रीज़ का, उसमें सबसे पहला मटेरियल कंज्यूम दिया है, वेजेस दिया है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस पेड और एड आउटस्टैंडिंग ऐड किया है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स दिया है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, इंटरेस्ट ऑन लोन और इनकम टैक्स, ये कॉस्टिंग में नहीं आता, ये सिर्फ फाइनेंशियल में आता है, और फिर नेट प्रॉफिट दिया है। उसके बाद क्रेडिट साइड में सेल्स दिया है, क्लोजिंग स्टॉक और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। अभी ये प्रॉब्लम में आपको ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया है, सिर्फ सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक दिया है। तो सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक की टोटल करोगे ना तो वो प्रोडक्शन बन जाएगा। तो सेल्स 12,000 है और क्लोजिंग स्टॉक 3,000 है, तो प्रोडक्शन 15,000 है, उसकी एक नोट करनी पड़ेगी अपने को। फिर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, ये कॉस्टिंग में नहीं आता। फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ये भी कॉस्टिंग में नहीं आता। ठीक है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन था। उसके बाद कॉस्ट शीट के बारे में नीचे इंफॉर्मेशन दिया है, द कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स फॉर द अबव पीरियड शोड द फॉलोइंग। अभी अपने को कॉस्ट शीट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है। सबसे पहला मटेरियल कंज्यूम एट द रेट ऑफ ₹10 per unit, तो मटेरियल कंज्यूम का कॉस्ट पर यूनिट दिया है। फिर डायरेक्ट वेजेस एट द रेट ₹6 per unit produce, तो डायरेक्ट वेजेस का भी आपको कॉस्ट पर यूनिट दिया है। फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स वेर एब्सॉर्ब्ड एट 25% ऑफ प्राइम कॉस्ट, मतलब आपका प्राइम कॉस्ट जितना भी होगा उसका 25% फैक्ट्री ओवरहेड्स। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स वेर एब्सॉर्ब्ड एट ₹5 per unit produce, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स का जो रेट है ₹5 है। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स वेर एब्सॉर्ब्ड एट ₹7 per unit sold। अभी ये प्रॉब्लम में आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ऐड करके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा। अब ये प्रॉब्लम में आपका ओपनिंग स्टॉक नहीं है, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से आपको क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स माइनस करना है, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 7 per unit sold है और बाकी का प्रोड्यूस के ऊपर रहता है। फिर उसके बाद लिखा है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ डिटेल कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 एंड स्टेटमेंट ऑफ रिकन्सिलेशन। ओके, तो सबसे पहला प्रोडक्शन का नोट लिखते हैं। प्रोडक्शन में अपने को यूनिट सोल्ड और क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स ऐड करना है। तो प्रोडक्शन यूनिट्स इक्वल टू यूनिट्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स। अभी यूनिट सोल्ड अपने पास 12,000 है और क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स 3,000 है, तो इनका टोटल 15,000 आएगा। 15,000 अपना प्रोडक्शन है। ठीक है,
अभी इसके बाद हम लोग कॉस्ट शीट बनाते हैं। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट अभी अपने कंपनी का नाम एक्स वाई जेड इंडस्ट्रीज, कॉस्ट शीट फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2014, बाद में प्रोडक्शन है 15,000 यूनिट्स और सेल्स है 12,000 यूनिट्स। प्रोडक्शन 15,000 यूनिट्स, सेल्स 12,000 यूनिट्स और कॉलम्स है पर्टिकुलर्स यूनिट्स, कॉस्ट पर यूनिट में रुपीज रुपीज और टोटल कॉस्ट में रुपीज रुपीज। फॉर्मेट बनाते हैं, तो ये बॉर्डर बनाए, उसके बाद रूलिंग करते हैं। तो ये हम लोगों ने रूलिंग किया, अभी प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रॉ मटेरियल आएगा और इधर 10 रुपया का रेट लिखा है। सबसे पहले लिखेंगे रॉ मटेरियल, आउटर कॉलम में 10 रुपया, दो डेसिमल तक लेंगे। और इसको यूनिट्स, प्रोडक्शन है आपका 15,000 और फिर 10 को 15,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 1.5 लाख आएगा रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के बाद डायरेक्ट वेजेस 6 का रेट दिया है, डायरेक्ट वेजेस 2 डेसिमल तक 6 का रेट है। अभी इसको भी हम लोग 15,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 90,000, फिर इनकी टोटल आएगी प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट सबसे पहला टोटल कॉस्ट की टोटल लेंगे और इसको 15,000 से डिवाइड करेंगे, तो फिर ये 16 आएगा। 2 डेसिमल तक लेना है, फिर इसको क्लोज करते हैं। अभी प्राइम कॉस्ट के बाद अगला आएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स, और फैक्ट्री ओवरहेड्स ये प्राइम कॉस्ट का 25% है। फैक्ट्री ओवरहेड्स तो प्राइम कॉस्ट अपना 16 है, 16 का 25% ये 4 आएगा,
इसको 15,000 से मल्टीप्लाई करना है, 60,000 फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करके फैक्ट्री कॉस्ट आएगा। सबसे पहला टोटल लेंगे, उसके बाद रेट निकालेंगे, फैक्ट्री कॉस्ट, उसके बाद नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स बोला है 5 पर यूनिट प्रोड्यूस, 5 का रेट है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15,000 से, 75,000। अभी इनकी टोटल आएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टोटल कॉस्ट ऐड करेंगे और फिर इधर रेट। अभी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से अपने को क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस करना है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया है तो डायरेक्टली क्लोजिंग स्टॉक अपने को माइनस करना पड़ता है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स अभी वो 3,000 है, 12,000 सेल किया है तो 3,000 क्लोजिंग स्टॉक है। अभी इधर रेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का ही लेना है, दो डेसिमल तक। और फिर इसको 3,000 से मल्टीप्लाई करना है, ये 75,000 आएगा। अभी ये लेस करके ये आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अभी इधर यूनिट्स में 15 में से 3 गया 12,000, फिर टोटल कॉस्ट का भी माइनस करेंगे 3,30,000। और इधर रेट सेम ही आएगा, 3,00,000 डिवाइडेड बाय 12,000, इधर 25 आएगा, दो डेसिमल तक लेना है तो रेट सेम ही आएगा। और इधर क्लोज करते हैं, सबसे पहला यूनिट्स के कॉलम में क्लोज करेंगे, फिर कॉस्ट पर यूनिट और फिर टोटल कॉस्ट। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया। फिर इसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स बोला है 7 रुपये, अभी ये 7 रुपया जो है उसको 12,000 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7,000 को 12,000 से मल्टीप्लाई करेंगे 84,000। अब ये ऐड करके आएगा टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स, टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये दोनों की टोटल करेंगे। और इधर हम लोग 12,000 से डिवाइड करेंगे, 32 आ गया। अब ये क्लोज करते हैं, कॉस्ट पर यूनिट में क्लोज करेंगे, टोटल कॉस्ट में क्लोज करेंगे। अब
अभी टोटल कॉस्ट आ गया, अभी टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करके सेल्स आएगा। अभी सेल्स का अलग से आपको नोट में कुछ दिया नहीं है, जैसे कल के प्रॉब्लम में दिया था, तो सेल्स आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में का ही कंसीडर करना है, तो अभी इसको कंपेयर नहीं करने का है। तो सेल्स क्या करो, डायरेक्टली टोटल कॉस्ट के आउटर कॉलम में 480,000 लिख दो और उधर उसको 12,000 से डिवाइड करो, 480,000 को 12,000 से डिवाइड करके 40, और ये आपको 2 डेसिमल तक लेना है, ठीक है। अब ये दोनों का डिफरेंस आएगा 8, और इधर टोटल कॉस्ट में डिफरेंस जो आएगा 480,000 में से 384,000 माइनस किया 96,000, 8 और 96,000 प्रॉफिट हो गया, और ये सेल से 40 और 480,000। अब ये फाइनल आंसर को क्लोज करते हैं। सबसे पहला कॉस्ट पर यूनिट, फिर टोटल कॉस्ट, तो ये अपना कॉस्ट शीट बना के हो गया। अभी वर्किंग करते हैं, अभी वर्किंग में कल का उल्टा करते हैं। कल हम लोग ने कॉस्टिंग से स्टार्ट किया था, फाइनेंशियल को एंड किया था ना, अभी हम लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल से स्टार्ट करते हैं और कॉस्टिंग में एंड करते हैं, देखते हैं अपना आंसर बराबर आता है क्या। तो वर्किंग बनाते हैं, तो सेकंड कॉलम फाइनेंशियल लगते हैं, फिर थर्ड कॉलम कॉस्टिंग, और डिफरेंस एज इट इज रहने दो। रूलिंग करते हैं, सबसे पहला बॉर्डर, बॉर्डर बना, अभी रूलिंग करते हैं, ठीक है। तो रूलिंग करके हो गया, प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल कॉस्टिंग में 1.5 लाख है, फाइनेंशियल में 2 लाख है। सबसे पहले लिखेंगे रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल फाइनेंशियल में 2 लाख, कॉस्टिंग में 1 लाख, तो जो डिफरेंस है वो प्लस में आएगा, कॉस्टिंग में 1.5 लाख है, तो डिफरेंस 50,000 प्लस में आएगा, तो इधर लिखते हैं डिफरेंस प्लस 50,000। नेक्स्ट रॉ मटेरियल के बाद अगला है आपका डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस फाइनेंशियल में 75,400 और कॉस्टिंग में 90,000, तो इधर फाइनेंशियल का कम है, कॉस्टिंग में ज़्यादा है, माइनस में आंसर आएगा 90,000 में से 75,400 माइनस किया 14,600 माइनस 14,600। नेक्स्ट अगला है फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स फाइनेंशियल का, अब ये आउटस्टैंडिंग ऐड करके जो 54,600 आया है
वो आपको लिखना है 54,600। और कॉस्टिंग में 60,000 तो ये दोनों का डिफरेंस 5,400 माइनस में आ रहा है, तो ये माइनस करना है -5,400। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स फाइनेंशियल में $50,000-$500 और कॉस्टिंग में 75,000। ये भी माइनस में है $20,500। नेक्स्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स फाइनेंशियल में 96,000 है और इधर 84,000 है। अभी ये दोनों का डिफरेंस 12,000 प्लस में है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन और इनकम टैक्स सिर्फ फाइनेंशियल में आता है। अगला इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन फाइनेंशियल में 14,000 तो ये भी प्लस 14,000 आएगा। फिर इनकम टैक्स भी सेम करना है 7,500। इधर आएगा प्लस 7,500। नेक्स्ट क्रेडिट साइड में सेल्स में आएगा, क्लोजिंग स्टॉक आएगा क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में आता है तो उल्टा रूल आएगा, क्लोजिंग स्टॉक को फाइनेंशियल में 66,000 है और कॉस्टिंग में 75,000 तो आंसर माइनस में आ रहा है, लेकिन हम लोग ऐड करेंगे, ऐड 9,000 उसके बाद इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट ये कॉस्टिंग में नहीं आता। तो अगला है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज फाइनेंशियल में आएगा 17,000 अभी इनका आंसर प्लस 17,000 है, लेकिन हम लोग लेंगे -17,000 क्योंकि इनकम में उल्टा आएगा और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट का भी सेम करने के लिए। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल में है 1,20,000 और इनका डिफरेंस आएगा -1,20,000। ओके, तो ये अपना
वर्किंग पूरा हो गया। अभी इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं, तो ये है इन द बुक्स ऑफ एक्स वाई जेड इंडस्ट्रीज। सुखदा एवढा लेट जॉइन केलं, अभी ये बॉर्डर बनाते हैं इसको। सबसे पहले बॉर्डर बनाए, अभी रूलिंग करते हैं। ओके, तो ये रूलिंग करके हो गया। अभी प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। अभी ये प्रॉब्लम में हम लोग ने फाइनेंशियल प्रॉफिट से स्टार्ट किया है, तो सबसे पहला हेडिंग डालेंगे नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो निकलता है नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड, अभी ये प्रॉफिट है 1,83,000। अभी इधर से स्टार्ट करना है और अपना लास्ट में आंसर ये 96,000 कॉस्ट शीट का प्रॉफिट आना चाहिए। ठीक है, अभी हम लोग ऐड करते हैं। अभी ऐड में सबसे पहला रॉ मटेरियल आएगा, रॉ मटेरियल कॉस्टिंग में कम है तो इधर लिखेंगे अंडर एब्सॉर्प्शन ऑफ रॉ मटेरियल। तो इसकी जो अमाउंट है 50,000 है। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स जो है वो कॉस्टिंग में कम है, अंडर एब्सॉर्प्शन। Under absorption of selling and distribution overheads.
अभी इसकी जो अमाउंट है 12,000 है, नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन लोन, अभी इंटरेस्ट ऑन लोन फाइनेंशियल रिकॉर्ड में आता है, कॉस्टिंग में नहीं आता, तो इसके बारे में लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बट नॉट इन कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स। पूर्णिमा लेट ज्वाइन केलं प्रॉब्लेम होता, नेटवर्क ओके इंटरेस्ट ऑन लोन रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बट नॉट इन कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट इनकम टैक्स का भी सेम ही लिखने का है, इंटरेस्ट ऑन लोन का इनकम टैक्स रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बट नॉट इन कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक जो है कॉस्टिंग में ज्यादा है, तो इसका लिखेंगे ओवर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अभी इतने ऐड के आइटम्स हम लोग ऐड करेंगे, टोटल लेते हैं, नाइन्टी टू फाइव हंड्रेड प्रॉफिट में ऐड करते हैं, और इसको क्लोज करते हैं, फिर ऐड में हो गया। अभी लिस्ट के आइटम्स कंसीडर करते हैं, सबसे पहला डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस आपका कॉस्टिंग में ज़्यादा है, तो उधर लिखेंगे ओवर एब्सॉर्प्शन, लेस ओवर एब्सॉर्प्शन ऑफ डायरेक्ट वेजेस, और डिफरेंस है इसका 14,600। नेक्स्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स भी आपका कॉस्टिंग में ज़्यादा है, तो इसका भी लिखेंगे ओवर एब्सॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड।
नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, वो भी कॉस्टिंग में ज़्यादा है, तो उसका लिखेंगे ओवर एब्सॉर्प्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। एडमिनिस्ट्रेटिव का डिफरेंस है 20 to 500। नेक्स्ट अब ये इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऊपर के इंटरेस्ट ऑन लोन और इनकम टैक्स के जैसा ही है। तो सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 17,000 है, रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बट नॉट इन कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स, ठीक है। और उसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसका भी सेम ही है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,20,000। अभी इनकी टोटल लेते हैं, अभी ये लेस की टोटल 179,500, इसको लेस करेंगे 96,000, ये अपना कॉस्टिंग का प्रॉफिट है, बराबर परफेक्ट अपना कॉस्टिंग का प्रॉफिट 96,000 आ गया। हम लोगों ने क्या किया, फाइनेंशियल के प्रॉफिट से स्टार्ट किया था और फिर अपने ये टेबल के वजह से जो भी प्लस दिख रहा है वो ऐड किया, जो भी माइनस दिख रहा है माइनस किया, और ये ऑटोमेटिकली आपका आंसर ये 96,000 आ गया। तो ये आपका ऐड का टोटल है, उसमें से लेस का टोटल माइनस करके 96,000, इसको नाम देंगे नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स। अब ये लेस के टोटल को क्लोज करते हैं और फिर फाइनल जो प्रॉफिट आ गया उसको भी क्लोज करते हैं। ओके, तो ये प्रॉब्लम अपना हो गया, ठीक है। अभी मंडे के लेक्चर से मैक्सिमम अटेंडेंस चाहिए, थोड़े प्रॉब्लम अपने हार्ड है, तो थोड़ा आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आगे चल के प्रॉब्लम थोड़े हार्ड होते जाते हैं। ओके, तो मंडे के लेक्चर को मिस मत करो और आपके फ्रेंड्स को भी बोलो लेक्चर्स अटेंड करने के लिए। ओके, थैंक यू।